हेलो दोस्तों, आज के डेट में इन्फोसिस कंपनी के बारे में एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, बहुत बड़ी। और उस न्यूज़ के दम पे दोस्तों आज के डेट में यहाँ पर स्टॉक देख सकते हो अराउंड 14-15% का जो है जंप लगाया है। और ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जो हम देख रहे हैं ये मंदी का दौर है, ये मंदी का दौर है। आप देख सकते हो निफ्टी 7000 के आसपास जाने वाला है, लेकिन दोस्तों इन्फोसिस में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखी जा रही है। तो वो कौन सा न्यूज़ है? और एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ दोस्तों, इन्फोसिस एक ऐसा शेयर है जो आपका लाइफ भी चेंज कर सकता है, मतलब आपका जिंदगी बदल सकता है। स्टॉक में बहुत दम है दोस्तों, सबसे पहली बात। और अगर ये डिविडेंड बोनस भी देना स्टार्ट किया तो आपको एक बहुत बड़े अमाउंट में प्रॉफिट भी दे सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको न्यूज़ बताना चाहूँगा, तो वो सबसे बड़ी न्यूज़ क्या है दोस्तों, जो इन्फोसिस जैसे स्टॉक को हिला के रख सकता है और बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आप न्यूज़ पे लेके जाऊंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी कंपनी का अपने बैलेंस शीट को क्या किया जाता है, ओवर शो किया जाता है, ठीक है दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस के लिए वो क्या करते हैं, अपने बैलेंस शीट में दिखाते हैं कि मुझे प्रॉफिट, मान लीजिए छोटे, अगर हम अपने थोड़े अपने हिसाब से करें तो मान लीजिए 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है तो वहाँ पर दिखाएंगे 12 रुपीज़, या मान लीजिए 15 रुपीज़ दिखाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट इतना का ही है। लेकिन दोस्तों ये 15 रुपीज़ आपको इसलिए दिखाएंगे ताकि लोगों को ये पता चले कि कंपनी अच्छे से चल रही है और सब लोग जितने भी इन्वेस्टर हैं ज़्यादा मतलब कि अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करेंगे और अच्छा कॉन्फिडेंस होके। तो वो क्या होता है दोस्तों, गलत तरीका होता है। आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा था, केवल 10 रुपये का, आपने दिखाया कितना, 15 रुपीज़ का, तो ये गलत है कि नहीं। तो वही दोस्तों, इन्फोसिस के ऊपर भी एक ऐसा केस बनाया गया था और बताया गया था कि इन्फोसिस अपने बैलेंस शीट को ओवर शो कर रहा है, मतलब कि दोस्तों ये बैलेंस शीट में जितना प्रॉफिट नहीं है उससे ज़्यादा दिखाने का कोशिश कर रहा है दोस्तों, इनके स्टाफ या जो भी हैं, वहाँ से न्यूज़ आया था। और उसी चीज़ के ऊपर यहाँ पर जो है न्यूज़ बताया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, इन्फोसिस पूरा दोस्तों मतलब कि क्लीन है, इसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर वाला न्यूज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन्फोसिस शेयर प्राइस रेज 10% दोस्तों, 10% यहाँ बता रहा है, लेकिन अभी 15% के आसपास मैंने आपको दिखाया, 13%, तो दोस्तों जो उस टाइम जो था वही परसेंट आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो इन्फोसिस का प्राइस जो है 10% के आसपास ऊपर गया है, ऑन द SEC ऑल क्लियर, ठीक है, एक मिनट, ऑन द SEC ऑल क्लियर, मतलब कि दोस्तों SEC आपको क्या होता है वो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन इसको बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि हर एक जगह यहाँ का SEBI है, तो और भी कंपनी को देखने वाले उससे भी बड़े बड़े अथॉरिटी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नीचे में बताया जा रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, द इन्फोसिस हैज सेड, इन्फोसिस ने क्या कहा दोस्तों, ठीक है, द कंपनी रिसीव नोटिफिकेशन फ्रॉम द, एक मिनट यार, द कंपनी रिसीव नोटिफिकेशन फ्रॉम द SEC दैट द SEC हैज़ कंक्लूड इट्स इन्वेस्टिगेशन एंड द कंपनी डज नॉट एंटिसिपेट एनी फर्दर एक्शन, मतलब कि दोस्तों बताया जा रहा है कि जो SEC है, ठीक है, जो SEC है दोस्तों, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने वहाँ पर जितना भी इन्वेस्टिगेशन करना था उन्होंने किया, लेकिन इन्फोसिस कंपनी में दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिला, ठीक है। अब इन्फोसिस कंपनी पूरा क्लीन है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन किया था दोस्तों, लेकिन कंपनी जो है कंक्लूड कर दिया है इसमें कि इसमें मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और फर्दर एक्शन के लिए जो SEC से बताया गया था, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से बताया गया कि इन्फोसिस में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जो बताया जा रहा है कि अपने बैलेंस शीट को दिखा रहे हैं कि प्रॉफिट कुछ और है और मामला कुछ और है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये न्यूज़ आपके सामने में आ चुका है, देख लीजिए बेधड़क। तो मैं आपको साफ मतलब छोटा सा कंक्लूजन में ही आपको बता देना चाहता हूं, बताया गया दोस्तों सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के हिसाब से बताया जा रहा है कि न्यूज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और कंपनी में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जैसा बताया गया था। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन भी करना था वो भी कर लिया गया है, लेकिन अब ये दोस्तों शेयर का प्राइस आपको बहुत तेज़ी से भागते हुए नज़र आएगा। और चाहे जो भी दोस्तों, ये स्टॉक आपको बहुत बहुत सस्ते दाम पे मिल रहा है, यहाँ पर देख लो 35% के आसपास जो है, 35% से भी लोएस्ट प्राइस पे आपको मिल रहा है, ठीक है दोस्तों, 35% से भी ज़्यादा ये स्टॉक जो है गिर चुका है अभी। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लास्ट टाइम जब ऐसा न्यूज़ आया था तो दोस्तों ये स्टॉक 700 to 800 के रेंज में था, ठीक है, 700 to 800 के रेंज में था, लेकिन उस रेंज से दोस्तों एक बार और, ठीक है, 700 से 800 के बीच में था ये स्टॉक, लेकिन दोस्तों जैसे ही ये न्यूज़ आया था ये स्टॉक आ गया था 650 रुपीज़ पे, धड़ाक से गिरावट हुआ था, मतलब कि जैसे दोस्तों ऊपर से कुछ गिरा हुआ। अगर वो न्यूज़ देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो ये था दोस्तों वो वीडियो जब इन्फोसिस
काफी गिर गया था तो मैंने बनाया था। यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने डेट बताया जा रहा दोस्तों 22 अक्टूबर 2019 को मैंने ये वीडियो अपलोड किया था और साफ साफ बोला था कि भाई चुपके से खरीद लो, खरीद के भूल जाओ, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। ठीक है, वीडियो प्ले करके आपको दिखा देता हूँ कौन से प्राइस पे बोला था मैंने खरीदने के लिए और कब। एक मिनट दोस्तों, वीडियो लोड हो रहा है। इन्फोसिस कंपनी को खरीद के भूल जाओ, देगा बहुत बड़ा प्रॉफिट। ये भारी गिरावट का फायदा उठा लो, हो सकता है कि आपको ये हाथ से मौका छूट जाए। एक मिनट दोस्तों, वीडियो थोड़ा धुंधला है, ठीक है, लेकिन आपको इतना तो पता चल रहा है दोस्तों यहाँ पर आप, और आप इतना भी देख सकते हो कि इन्फोसिस कंपनी का प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, ये 650 के आसपास, ठीक है, 650 रुपीज़ के आसपास। और देखिए यहाँ देख लीजिए 14% की गिरावट है। एक मिनट में इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये देख लीजिए इन्फोसिस काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक जो है गिर चुका था, और कितना गिर चुका था दोस्तों, ये 650 रुपीज़ के आसपास गिर चुका था। और कितना रुपीज़ का गिरावट हुआ था अगर आप देखना चाहते हो तो दोस्तों ये तकरीबन 113 रुपीज़ 20 रुपीज़ तक ये गिर चुका था। यहाँ पर देख लो, छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन भाई मैं आपको थोड़ा माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्लियर से नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो देख लीजिए, जब इन्फोसिस का प्राइस गिरा था तो मैंने बोला था, साफ साफ बोला था और चुपचाप बोला था दोस्तों, इन्फोसिस कंपनी को खरीद लो, खरीदने के बाद भूल जाओ, देखो बहुत बड़ा प्रॉफिट। और यही स्टॉक दोस्तों 650 रुपीज़ का था, चला गया था दोस्तों 780 रुपीज़ तक चला गया था, मतलब कि 800 को टच ही करने वाला था ये स्टॉक 800 को, और 750 रुपीज़ पर मैंने आपको बोला था बाय करने। सोचिए कितना बड़ा प्रॉफिट मिल रहा था, कितना बड़ा। लेकिन आज के डेट में दोस्तों इन्फोसिस फिर आपको गिरे हुए प्राइस पर मिल रहा है, तो मैं इस टाइम बोल सकता हूं आपको ख़रीदने के लिए, लेकिन एक मजबूरी है, इस वजह से मैं नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो बोल रहा हूं स्टॉक अच्छा है, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दे सकता है, आपको ज़िंदगी बदलने में ऐसे स्टॉक का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि जो कोरोना वायरस के वजह से जो ये चल रहा है दोस्तों, महामारी चल रहा है, इसमें हिम्मत नहीं कर रहा कि आपको बोलूँ कि ये स्टॉक को ख़रीदना है, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ आँख बंद करके मैं आपको बोलता, ये जो 500 का लेबल था, एक मिनट दोस्तों, ये जो 500 का लेबल था, इसने जो 500 का लेबल को टच किया था, मैं आपको आंख बंद करके बोलता भाई ख़रीद लो। लेकिन क्या करें, मार्केट गिर रहा, जीडीपी गिर रहा है, इंडिया का इकनॉमी गिर रहा, हर एक चीज़ गिर रहा है, और इस गिरते हुए समय में कोई न्यूज़ की वजह से अगर स्टॉक में 15 या 20% की रैली आ जाती है तो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है। कल को अगर फिर से निफ्टी अगर 3500 पॉइंट का गिरा, ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट है 3500 या 600, सोचिए अगर इतना ज़्यादा ये सेंसेक्स है दोस्तों, ठीक है, सेंसेक्स है। और दोस्तों निफ्टी मान लीजिए अगर 1000 पॉइंट डेली गिरेगा तो क्या होगा मार्केट का, इसी वजह से हो सकता है अगर मैंने आपको बोल दिया खरीदने के लिए, कल को अगर निफ्टी हो सकता है कि दोस्तों 1000 पॉइंट गिर गया तो सोच लीजिए नुकसान हो सकता है, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जैसे ही मार्केट में इंप्रूवमेंट आएगा, कोरोना वायरस का कोई वैक्सीन मेडिसिन आएगा और निफ्टी फिर से जब ऊपर जाना आएगा, जरूर बिलीव कीजिए मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। थोड़ा सा सब्र रखिए, वेट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर इंकरेज कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करने से उत्साह, हिम्मत और बहुत ज़्यादा आगे वीडियो बनाने का भी ताकत मिलता है। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।